हाँ नमस्ते। पॉलिटी की क्लास हम आगे करेंगे। राष्ट्रपति थोड़ा बड़ा होगा टॉपिक, के बाद चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं। हमने आर्टिकल 55 देख लिया, अब आर्टिकल हम 56 देखने वाले हैं, आर्टिकल 56। 56 56 को सबसे पहले मिलान करवाने वाले क्वेश्चन में आता है कि 56 का संबंध किससे है। तो 56 को ऐसे लिख लो, 5 और 6, थोड़ा स्पेस दे दो बीच में। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि 56 का संबंध होगा वो कार्यकाल, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, या टर्म मतलब पदावधि कितनी होगी। तो राष्ट्रपति का पदावधि कितना होगा ये 56 में लिखा हुआ है। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं? हम इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि देखो 5 साल कार्यकाल होगा और 6 महीने वो एडिशनली को चार्ज ग्रहण करके रख सकता है। तो 5 और 6 का संबंध 56 का ये राष्ट्रपति के कार्यकाल से है। अब आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो बेसिक चीज़ तो आप समझ में आ गई। इन जनरल हमें पता है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल वो 5 साल के लिए होता है, और 5 साल से पहले या तो वो त्यागपत्र दे दे, या उसका मृत्यु हो जाए, या उसको महाभियोग से हटा दिया जाए, तो भाई नया राष्ट्रपति आएगा। और नया राष्ट्रपति है वो कंप्लीट 5 साल के लिए आएगा, शेष कार्यकाल के लिए नहीं आएगा। तो हम सबसे पहले तो क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम इसको पूरा एक बार आपको अच्छे से मैं बताता हूँ, फिर बहुत अच्छे तरीके से इसको सिस्टमेटिक तरीके से हम पूरा पढ़ेंगे, आपको मैं याद भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए, राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा। ये बात 56 कै में लिखी हुई है, 56(1) में। फिर इसमें है 56(2), इसका मतलब 56 के पार्ट कितने हो गए 56 के। असल में तो दो भाग हो गए। पहला भाग तो ये हो गया कि राष्ट्रपति अपना पद कब तक ग्रहण करके रखेगा, और दूसरी बात ये हो गई कि उपराष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र की सूचना उसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को दी जाएगी। ये हम बात करेंगे अभी, पहले पूरा पढ़ो। देखिए, राष्ट्र इसमें तो छोटी सी बात लिख दी कि राष्ट्रपति अपना पद है वो 5 साल के लिए धारण करेगा। अब इसमें दो तीन बातें और हैं, क्या क्या हो सकता है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, कि भाई 5 साल उसको नहीं करनी है तो पहले पद त्याग दे देगा, और पद त्याग देगा तो राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देगा। दूसरी बात, संविधान का अतिक्रमण करने पर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हो, संविधान का अतिक्रमण करने पर राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 में उपबंधित रीति से चलाए गए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। महाभियोग की प्रक्रिया हम 61 में पढ़ेंगे। महाभियोग शब्द का जो उल्लेख किया गया है वो यहाँ पे किया गया है। तो 61 में उपबंधित रीति से महाभियोग से उसको हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी वो तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। ऐसा नहीं है कि साहब उसको पद पे आया, वो 5 साल हो गई, 5 साल जिस दिन हुई उसी दिन अपना बैग उठा के घर चला जाए, ये अपना तो कार्यकाल पूरा हो गया ना। वो तब तक वेट करेगा जब तक कि नया राष्ट्रपति उस पद को ग्रहण नहीं कर ले। ऐसे तो फिर राज अंतराल आ जाएगा ना, कि आज आप घर चले गए, नया राष्ट्रपति 3 दिन बाद में शपथ लेगा, तो फिर वो बीच में 3 दिन भारत का राष्ट्रपति कौन रहेगा, ये दिक्कत आ सकती है। और फिर खंड के परंतु में लिखा हुआ है कि 1 में क्या था कि उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देगा, तो फिर ये 2 में ये बात जोड़ दी कि इसकी सूचना उपराष्ट्रपति किसको देगा, लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा में जनता के प्रतिनिधि बैठते हैं, इसलिए कम से कम जब राष्ट्रपति अपना पद छोड़ते हैं तो जनता को इस बात का पता होना चाहिए कि उनके उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया है। तो जनता के प्रतिनिधियों को ये बात पता लगनी चाहिए, मतलब इनडायरेक्ट ये बात जनता को पता लगनी चाहिए, इसलिए लोकसभा में। ये तो बेसिक है, इसमें अब बहुत सारे परमुटेशन कॉम्यूटेशन निकलते हैं। देखिए, तो इसका मतलब 56 को अगर तरीके से समझे तो 56 में तो 2 ही पार्ट है,
56 में, 56 का भाग एक और 56 का भाग दो, एक में ये लिखा कि उपराष्ट्रपति 5 वर्ष तक पद धारण करेगा, 5 वर्ष तक, और दो में ये लिखा हुआ है कि त्यागपत्र देगा तो उसकी सूचना उपराष्ट्रपति उपराष्ट्रपति लोकसभा के अध्यक्ष को देगा। बस समझ में आ गई बात। ये पर ये जो एक है इसके तीन छोटे छोटे और खंड बना रखे हैं कि 5 साल तक रहेगा तो एक बात, दूसरी बात और तीसरी बात। ये इसको ऐसे समझ ले, ज्यादा बढ़िया तरीके से इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क ख और ग। क में ये लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति त्यागपत्र दे सकता है, त्यागपत्र किसको देगा, उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति दे दिया। ओके। ख में लिखा हुआ है संविधान का अगर अतिक्रमण किया, देखिए एक मात्रा आधार लिखा हुआ है संविधान का अतिक्रमण, तो 61 के तहत हटा दिया जाएगा, हटाना जिसमें महाभियोग पढ़ेंगे। और ग में लिखा हुआ है वो तब तक पद ग्रहण करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए, उत्तराधिकारी का मतलब उसका बेटा या बेटी नहीं, कोई भी नया राष्ट्रपति। अब बहुत इंटरेस्टिंग है, इसमें खूब सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं, आपको 15-20 मिनट में मैं चीजें बताता हूँ। ये तो पूरा आर्टिकल का सार हो गया, संविधान में इसका इतना ही लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है, फिर एक के तीन भाग हैं, क ख और ग। पास समझ में आ गए ना। देखो अब लक्ष्मीकांत ने क्या लिखा है, इंग्लिश में अगर इसको देखें तो इंग्लिश में बेसिक बात लिखी हुई है, द प्रेसिडेंट सेल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ विच ही एंटर्स अपॉन द ऑफिस, और फिर प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज एड्रेस एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस, से रिजाइन दे सकता है। द प्रेसिडेंट मे फॉर द वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली एक आधार लिखा हुआ, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ही रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय इम्पीचमेंट ऑफ द मैनर प्रोवाइडेड इन द आर्टिकल 61, और फिर द प्रेसिडेंट सेल नॉट विस्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ द टर्म कंटिन्यूस होल्ड ऑफ अंटिल द सक्सेस ही सक्सेसर एंटर्स अपॉन दिस ऑफिस, उसके सक्सेसर तक वो ऑफिस पर रहेगा, और वो अगर रेजिग्नेशन देगा तो फिर रेजिग्नेशन की इंफॉर्मेशन है वो किसको दी जाएगी, लोकसभा जो स्पीकर है वो राष्ट्रपति उसको इन्फॉर्म करेंगे। चलिए अब लक्ष्मीकांत को पढ़ते हैं। देखिए राष्ट्रपति की क्या क्या लिखा हुआ, राष्ट्रपति की पदावधि, पदावधि राष्ट्रपति की पदावधि उसके पद धारण करने की तिथि के 5 वर्ष तक होगी, ये तो हमने पढ़ लिया। हालांकि वह अपनी पदावधि में किसी भी समय अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे सकता है, इसके अतिरिक्त उसके कार्यकाल पूरा होने से पूर्व महाभियोग चलाकर उसे हटाया जा सकता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले, उपराष्ट्रपति अपने 5 वर्ष के कार्यकाल के उपरांत भी पद पर बना रहता है, वह इस पद पर पुनर्निर्वाचित हो सकता है। हालांकि बात आगे आएगी 57 में, वह कितनी ही बार निर्वाचित हो सकता है, हालांकि अमेरिका में एक व्यक्ति 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता है। कुल मिला के वो सारी बात यहाँ पे है, पर इतने में काम चलेगा नहीं, अब हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं, आप अपने दिमाग को थोड़ा सा स्थिर रख के समझें। देखिए हम सिचुएशन लेंगे कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का हमने पढ़ा है, 5 वर्ष से पहले क्या हो सकता है और 5 वर्ष के बाद क्या हो सकता है। इन जनरल तो राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 साल होगा, तो सामान्य सिचुएशन चले तो अपने सवाल ही नहीं बनेंगे कि 5 साल होगा, हो गया पूरा, फिर ये अपने को तो क्वेश्चन पूछने हैं ना कि 5 साल से पहले अगर पद त्याग दे, छोड़ दे, मृत्यु हो जाए तब क्या हो, या 5 साल के बाद भी वो होल्ड कर सकता है क्या पद, ये बात है। पहले पहले तो ये तो 3 काम हो सकते हैं, या तो खुद नहीं चाहिए, खुद की इच्छा नहीं हो, या भगवान की इच्छा नहीं हो, या संसद की इच्छा नहीं हो, तो इच्छा पर चलेगा। खुद की इच्छा नहीं हो तो वो क्या दे देगा, त्यागपत्र, ये समझ लिया। भगवान की इच्छा नहीं हो तो उसकी क्या हो जाए, मृत्यु हो जाए, और
अगर उसके दिमाग में ऐसा आए संसद के कि इसने संविधान का अतिक्रमण किया है तो उसको हटा सकते हैं, तो मतलब महाभियोग लग सकता है और बाद में तो वो जब तक पद पे रहेगा तब तक ही उसका उत्तराधिकारी नहीं आ जाए। अब देखिए एक इंटरेस्टिंग बात, तीनों स्थितियों में राष्ट्रपति का पद खाली हो रहा है ना, यहाँ भी खाली हो रहा है, यहाँ भी खाली हो रहा है, यहाँ भी। अब किसको त्यागपत्र देगा, उपराष्ट्रपति को देगा, उसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को पढ़ लिया, मृत्यु हो जाए उसमें सिचुएशन हमने देख ली, महाभियोग कैसे चलेगा 61 में देखेंगे। पर एक चीज़ आप समझें, सामान्य स्थिति में ऊपरी ऊपर होता राष्ट्रपति, उसके बाद में होता है राष्ट्रपति के बाद में होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद में होता है CGI और फिर अदर जज, अदर जजेज, ठीक है ना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति CGI अदर जजेज, ऐसा भारत में ये सिस्टम हायरार्की चलता है। अब अगले एक मिनट में एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको आप अगर समझ लें तो कई सारी चीजें आसान हो जाती हैं सवाल पूछना। ये जो उपराष्ट्रपति है ना, मैं याद करवाने के लिए एक चीज गलत बोलूंगा यहाँ, उसको अभी आप समझ लेना। ये जो उपराष्ट्रपति है इसके पास, ये मान के चलेंगे इसके दो ऑफिस हैं, याद रखेंगे, या दो पद हैं, एक तो खुद उपराष्ट्रपति का पद और एक उसके पास में होता है राज्यसभा के सभापति का पद, पदेन सभापति का पद। अब बहुत ध्यान से एक चीज को समझेंगे, राष्ट्रपति का पद खाली हुआ है तो उसकी जगह उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के पद पे आएगा, समझ में आ गई बात। जैसे उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति वाले पद पे गया तो नीचे कितने पद खाली कर गया, वो दो, एक उपराष्ट्रपति का पद खाली हो गया, एक राज्यसभा के सभापति का। अब उपराष्ट्रपति तो खुद उपराष्ट्रपति है, इसके नीचे तो कोई और नहीं है, पर राज्यसभा का जो सभापति है यहां पे होता है राज्यसभा का उपसभापति, समझ में आ गया। तो जैसे ही राष्ट्र, ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति बन रहा है थोड़े दिनों के लिए, नीचे दो पद खाली हो रहे हैं, ये पद खाली रहेगा जब तक कि ये वापस आके इस पद पे नहीं आ जाए, तभी तो भरा जाएगा, इसकी जगह कोई नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति का काम ही इसलिए था कि जब कभी जरूरत पड़ेगी तब आप राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे, इसलिए उपराष्ट्रपति का उपराष्ट्रपति के रूप में कोई भी काम नहीं होता है। और फिर भारत में एक सिस्टम और है, काम नहीं तो वेतन नहीं, उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति रूप में वेतन मिलता ही नहीं, जीरो मिलता है, और जब ये उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में चला जाए तब राष्ट्रपति का वेतन मिलेगा, तो उपराष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति के नाम से इसकी सैलरी नहीं मिलती है। तो वॉट अबाउट राज्यसभा का पदेन सभापति एक्स ऑफिशियो चेयरमैन, राज्यसभा का पदेन सभापति भी नहीं रहा है क्योंकि दो पद थोड़ी इधर करेगा, तो इधर आ गया तो नीचे दोनों पद खाली हो गए, इस पद को कौन भरेगा, उपसभापति। पर क्या उपसभापति जो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तभी उपराष्ट्रपति भी होगा क्या, नहीं ये नहीं होगा, ये केवल इसकी बैठकों की अध्यक्षता कर लेगा राज्यसभा की। अब एक चीज और क्लियर कर लो, अभी आपको घुमाने के लिए बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति रूप में काम करे तो वो फांसी की सजा माफ कर सकता है क्या, घुमाने वाले आपको घुमाएंगे। एक चीज का याद रख लेना, वो उसकी घर की तो जगह ले नहीं सकता, राष्ट्रपति के बच्चों को जाके कह दे कि आज से मैं तुम्हारा पापा हूं क्योंकि राष्ट्रपति तो मर गए, बाकी सारे काम जो ऑफिस के होंगे कोई भी काम हो, क्योंकि वो आप उसके नाम के साथ कार्यवाहक राष्ट्रपति जोड़ रहे हैं, बाकी कार्यवाहक जोड़ो ही मत, ये आदमी बनके राष्ट्रपति बन गया मतलब सब कुछ करेगा ये, तो वेतन भत्ते सर जिस पद पे काम करेगा उसके वेतन भत्ते लेगा, ये शपथ भी लेगा क्या, शपथ लेनी पड़ेगी ना, काम किसके कर रहा है। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको मैं, एक होता है एक चीज और, फिर मैंने एक शब्द बोला कार्यवाहक राष्ट्रपति,
ये शब्द पूरे संविधान में कहीं लिखा ही नहीं है। तो ये कार्यवाहक राष्ट्रपति तो बन तो रहा, हमें भी पता, पर संविधान में कार्यवाहक राष्ट्रपति शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, एक चीज और समझे। एक होता है कार्य राष्ट्रपति के कर्तव्य करना, एक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना, एक राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन करना। इसको छोड़िए, ऐसा याद रखें, जब भी राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा वो शपथ लेगा। और एक चीज और, अभी तो मान लो मृत्यु हो गई राष्ट्रपति की, खत्म ही हो गया पद ही, कई बार ऐसा होता है राष्ट्रपति बीमार है ना, और काम करने में समर्थ नहीं है, है राष्ट्रपति खुद पद पे ही, उस टाइम उपराष्ट्रपति को कहते हैं कि आप किसके काम करो, राष्ट्रपति। तो ये कार्यवाहक काम नहीं कर रहा है, ये तो राष्ट्रपति के केवल कर्तव्य कर रहा है, कर्तव्य निर्वहन कर रहा है। इस टाइम भी शपथ लेगा, चाहे 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 5 दिन के लिए करे। हाँ, अगर राष्ट्रपति अस्वस्थ है और उपराष्ट्रपति को बोला जाए कि आप राष्ट्रपति के कर्तव्य करो, 2-3 दिन के लिए काम करो इस इनके ऑफिस में, तब भी उनको शपथ लेनी पड़ेगी। तो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करना, दोनों बातें अलग अलग है। समझ में आ गया बात? ठीक, अब देखिए और इंटरेस्टिंग। हाँ, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। कई बार ऐसा हो गया दोनों पद एक साथ खाली हो गए, राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई, उपराष्ट्रपति की भी हो गई मान लो, तो फिर संविधान में तो लिखा ही नहीं है, खत्म। तो फिर क्या करना पड़े इसके लिए? एक एक्ट है, कब का है? 1969 का एक एक्ट बनाया हुआ हमने, क्योंकि संविधान में कहाँ लिखा हुआ है तो हमने पढ़ डाला संविधान में, तो इन्होंने जो लिखा है मूल संविधान में ये तो हमने देख ही लिया, बस ये बात लिखी हुई है। इसके अलावा तो आर्टिकल अगला शुरू हो गया 58 का, या फिर आर्टिकल हो गया शुरू 57 का, आर्टिकल शुरू हो गया, बात समझ में आ गई ना, नीचे आ जाएगा पुनर्निर्वाचन के लिए, ये 57 का आर्टिकल ही आ गया। तो ये बात कहाँ लिखी हुई है जो मैं आपको बता रहा हूँ सारी की सारी, कि वो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये इसके लिए एक्ट बनाया। फिर बात है 69 की, 1969 की, तो थोड़ा और समझा देता हूँ। 1969 में क्या हुआ, उस टाइम में राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन, उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। जाकिर हुसैन का पद पे रहते हुए क्या हो गई, इनकी डेथ हो गई, तो उस टाइम में वीवी गिरी को काम करना था राष्ट्रपति के रूप में, इन्होंने किया भी, पर पद इतना इंटरेस्टिंग था, मजा आ गया, क्योंकि तो राष्ट्रपति की मृत्यु हुई है तो ये तो उपराष्ट्रपति तो थोड़े दिन काम करेंगे, नए चुनाव तो होने ही हैं, 6 महीने का पीरियड मान लो। तो वीवी गिरी ने कहा कि मैं खुद ही चुनाव लड़ लूं, मैं कार्यवाहक क्यों रहूं, मैं तो असली राष्ट्रपति बन जाऊं। इधर से नीलम संजीव रेड्डी थे, नीलम संजीव रेड्डी, कांग्रेस ने नीलम संजीव रेड्डी को घोषित कर दिया उम्मीदवार। वीवी गिरी साहब इंदिरा गांधी से मिले और कहा कि मुझे इसी पद पे रहना है, चुनाव में मदद करो मेरी। तो इंदिरा जी ने कहा लड़ो चुनाव, पूरा भारत एक साइड में, इंदिरा जी और वीवी गिरी एक साइड में चुनाव लड़ रहे थे। इंदिरा जी रेडियो पे आए पहली रात चुनाव के, कहा कि अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट डाल देना, क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में पार्टी की तो चलती नहीं, व्हीप तो जारी होता ही नहीं है, कि आपको पार्टी का आदेश मानने की आपको जरूरत ही नहीं है, आप अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट डालो जिसकी आपकी मर्जी पड़े। मर्जी ऐसी हुई कि वीवी गिरी जीत गए, पूरा भारत एक साइड में नीलम संजीव रेड्डी की तरफ था, वो हार गए, वीवी गिरी चुनाव जीत के। वीवी गिरी में वी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, इनके टाइम में दूसरी बार मतगणना, मतलब सेकंड वरीयता के आधार पर जीते थे। हमने जब राष्ट्रपति के चुनाव में देखा था ना कि पहले पहली प्रेफरेंस के वोट देखते हैं, फिर दूसरी प्रेफरेंस के वोट, तो दूसरी प्रेफरेंस में जीते थे, वी में 2 बार वी आ रहा, तो याद रख लेना। नीलम संजीव रेड्डी हार गए, तो नीलम संजीव रेड्डी ने अपनी किस्मत को इतना कोसा होगा, क्या लाइफ है,
पूरा भारत मेरी तरफ था, एक आदमी की वजह से मैं चुनाव हार गया। फिर एक टर्म के बाद में दोबारा चुनाव होते हैं, नीलम संजीव रेड्डी के सामने 37 लोगों ने फॉर्म भर रखा था, नीलम संजीव रेड्डी सहित 36 फॉर्म रिजेक्ट हो गए, एक फॉर्म बचा, नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध भारतीय राष्ट्रपति बन गए। तब उन्होंने वापस बोला होगा मेरी क्या किस्मत है, किस्मत का इतना बड़ा गेम नहीं है, वो कब पलटा मारती है पता नहीं चलता है। तो सोचिए 36 फॉर्म रिजेक्ट हो गए, एक ही फॉर्म, कोई एक आध फॉर्म रिजेक्ट छोड़ी हुआ है। इसलिए हम कई बार पढ़ते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी है वो उनके सामने, वो जो निर्विरोध, अरे ऐसा नहीं है कि वो उनके सामने कोई नहीं खड़ा हुआ था, फॉर्म ही रिजेक्ट हो गए थे, एक ही बचा था बन गए। हालांकि 4 प्रति लगा सकते हैं साथ में फॉर्म भरते टाइम, हमने पढ़ा है, पर गलतियां हो गई। चलो हाँ, तो वीवी गिरी ने क्या किया, जाकिर हुसैन ने जैसे ही मृत्यु हुई, वीवी गिरी राष्ट्रपति नहीं थे कार्यवाहक, इन्होंने क्या, ये इंडियन एजुकेट से क्लास नहीं देखी थी पॉलिटी की, वरना इनको ये समझ में आता कि अगर कोई राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति कोई मंत्री एमएलए एमपी अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहे तो उसको पद से त्यागपत्र की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया ना, जैसे आज मैं उपराष्ट्रपति हूँ और मुझे राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो मुझे उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं है, मैं चुनाव लड़ सकता हूँ ऐसे ही। पता नहीं इनके दिमाग में क्या है, वरना त्यागपत्र क्यों देते। तो वीवी गिरी असल में एक सिनेरियो था कि वीवी गिरी उस टाइम में राष्ट्रपति भी थे और उपराष्ट्रपति भी थे। अब कुछ बच्चों के ऐसा दिमाग में सवाल होता है कि उन्होंने कौन से पद से त्यागपत्र दिया होगा, क्योंकि असल में तो उपराष्ट्रपति थे और काम कर रहे थे राष्ट्रपति का, अलग अलग जगह अलग अलग है, पर इनका ऑफिशियली आप देखते हैं तो ये उपराष्ट्रपति होने की वजह से राष्ट्रपति के पद पे काम कर रहे हैं। तो उपराष्ट्रपति नहीं रहेंगे तो राष्ट्रपति का पद अपने आप नहीं रहेगा। तो इन्होंने उपराष्ट्रपति के पद से त्यागपत्र लिखा, संबोधित करते हुए राष्ट्रपति के पद को, और पद खाली कर दिया। तो एक मिनट भारत में ऐसी आई कि ना तो राष्ट्रपति है ना उपराष्ट्रपति है। तो फिर 1969 में कानून बनाना पड़ा और उसमें ये लिख दिया कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति संभाल लेंगे, उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद संभाल लेंगे। फिर एक चीज़ और गलत पढ़ते हैं कि अगर ये नहीं है तो कोई भी वरिष्ठ न्यायाधीश, ऐसा हो सकता है कि सीजीआई की भी डेथ हो गई हो, तो उस टाइम में मोहम्मद हिदायतुल्ला को पद देना पड़ा था, ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो ये मोहम्मद हिदायतुल्ला उस टाइम में भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, तो मुख्य न्यायाधीश थे इसलिए इनको राष्ट्रपति का पद दिया गया। समझ में आ गई बात, मान लो मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो फिर आपकी किताबों में और आपके नोट्स में लिखा हुआ है कि कोई भी सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश, वरिष्ठ नहीं लिखा हुआ इस एक्ट में, ये लिखा हुआ है कि सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश राष्ट्रपति का काम कर लेगा। ये मोहम्मद हिदायतुल्ला के बारे में और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मोहम्मद हिदायतुल्ला यहां तो बन गए कार्यवाहक राष्ट्रपति, फिर इन्होंने खुद जब ये रिटायर हो गए तो उन्होंने 1985 के आसपास की बात है, मैं ठीक से याद नहीं कर पा रहा, इन्होंने खुद उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा और उपराष्ट्रपति बने। फिर एक बात जानी, जेएल सिंह भारतीय जब राष्ट्रपति थे वो अमेरिका गए हुए थे इलाज के लिए, तब उन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्य का निर्वहन भी किया। तो ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, उपराष्ट्रपति रहे और राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन भी किया। ठीक, ये सारी स्थिति आपको समझ में आ गई। तो अब इसको मान लो आप, अगर आपको एडिशनल कुछ फैक्ट्स ऐड करने हो तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले अपन ये ऐड कर सकते हैं कि शॉर्ट में कि राष्ट्रपति का पद अगर खाली है तो कौन भर देगा, उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति का पद अगर खाली होता है, ये पद अगर खाली होगा तो नीचे कितने पद खाली हो जाएंगे, दो, एक हो जाएगा उपराष्ट्रपति का, आप चाहो तो इसको कहीं ना कहीं ऐसा नोट्स में ऐड कर लो,
और एक राज्यसभा के पदेन सभापति का, आर एस का मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति, ये इस पद को कोई नहीं भरेगा क्योंकि उपराष्ट्रपति भी तो खाली कर रहा है पद, इसको कौन भर देगा, यहां कौन आएगा, यहां उपसभापति आ जाएगा। एक सवाल और पूछ लेते हैं वो, कि क्या उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में और राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में दोनों पद एक साथ काम कर सकता है क्या? कितना बेकार सा सवाल है, कैसे कर सकता है, एक ही पद में एक साथ काम करेगा वो। ठीक, अब एक तो ये स्थिति आपको समझाई दी मैंने, जो अपने फैक्ट नंबर एक की स्थिति है, और जो सेकंड पोजीशन बनेगी दूसरी स्थिति है वो ये है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति पद संभाल लेंगे, है ना, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 56 में। और अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, उपराष्ट्रपति का पद भी खाली है, तो कौन संभालेगा, तो संभालेगा CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये बात संविधान में नहीं लिखी हुई, ये बात लिखी हुई 1969 के एक्ट में, समझ में आ गया। और CJI भी नहीं है तो कोई भी न्यायाधीश, अगर ये पद भी खाली है तो कोई भी न्यायाधीश इस पद पे आ जाएगा। ये स्थिति समझ में आ गई होगी आप लोगों के। तो ये सारी की सारी चीज़ आपको मैंने बताई है, इसमें एक में भी आपको ऐसा कोई रट्टाफिकेशन का नहीं करना है, आप इसको इस तरीके से लिख लेंगे। हाँ, एक चीज़ और यहाँ पे देख लें, आपके दिमाग में आएगा सर ये कितने दिन तक रहेगा, तो ये जितनी रामायण हमने पढ़ी है वो अधिकतम मैक्स टू मैक्स 6 माह की बात है, 6 माह तक, ये आप लोगों को याद हो जाएगा। ठीक, अब आपके शायद मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी आई होगी। ठीक, आगे बढ़ जाएं, अब चलते 57 की तरफ, बहुत आसान है, कुछ भी ज्यादा खास नहीं है, सीधा लिखा हुआ है, कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद धारण करता है या कर चुका है, इस संविधान के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होगा। इसका मतलब एक राष्ट्रपति ने एक कार्यकाल पूरा कर दिया, ठीक है, पद धारण कर चुका है, ठीक है, करता है या कर चुका है, तो वो कितनी बार, मतलब वो एक बार, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 20 बार, 50 बार, 100 बार, इतनी भी बार दोबारा से राष्ट्रपति बन सकता है, 100 बार तो बनना, 20 बार बनना संभव नहीं है, पर संविधान में ये लिखा हो कि कितनी बार पद धारण करेगा, इसको लेकर संविधान मौन है। बस संविधान में इतना ही लिखा हुआ कि एक राष्ट्रपति है वो दोबारा से चुनाव लड़कर दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है। अब आप घबराएं मत, आप कोई पूछ लेता है कि संविधान में ये लिखा हुआ है कि वो 2 बार बनेगा, ये पूरा संविधान मैंने 57 का दिखा दिया, इसके अलावा कुछ नहीं लिखा हुआ है। ये लो, जितनी व्याख्या निकालते हैं हम लोग खुद से निकालते हैं, इसमें तो कुछ नहीं लिखा हुआ, इतना ही लिखा हुआ है। आपको कोई बरगलाए कि संविधान में तो ऐसा लिखा हुआ, ऐसा कि आप कहना कि इसके अलावा आर्टिकल में कुछ लिखा ही नहीं है, ये अमेरिका का 2 बार आएगा और 3 बार, 5 बार, ये हम लिख लेते हैं एडिशनल फैक्ट्स के रूप में, यहाँ इतना ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में 2 सवाल आएंगे, कितनी बार पद धारण करेगा पता नहीं है, हो गया पूरी पूरी बात। हालांकि मान लो एक राष्ट्रपति वो 2 बार रह गया, तीसरी बार बनना चाहे तो संसद चाहे तो उसको उस पद के लिए रोक सकती है। संसद क्या करेगी, यहाँ पे कोई एक्ट बनाएगी, मान लो एक्ट बने वो 2029 में, और लिख दिया जाए कि एक राष्ट्रपति केवल और केवल अधिनियम लाइक क्या है कि एक राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 बार तक के लिए पद धारण करेगा, जैसा अमेरिका में बना हुआ, अमेरिका में एक राष्ट्रपति 2 बार रह सकता है। क्लियर हो गया, चलो आगे। सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है जिसमें कन्फ्यूजन भी होता है वो है 58 का,
58 का, कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए पात्र तभी होगा जब वह, मतलब 58 में क्या लिखा हुआ है, 58 में लिखा हुआ राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं योग्यताएं पात्रताएं अर्हताएं अर्हताएं या क्वालिफिकेशंस सबका मतलब सेम है। क्या क्या? राष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं पात्रताएं अर्हताएं अब हम जो कंफ्यूज होते हैं वो एक तो इस योग्यताओं में और एक होते हैं पद की शर्तों से संबंधित। भाई योग्यता होती है किसी पद तक पहुंचने के लिए और शर्तें लागू होती है पद पर जाने के बाद। जैसे आप आरएस एसडीएम बनना चाहते हैं, अधिशासी अधिकारी ईओ बनना चाहते हैं या सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो योग्यता उसके लिए ग्रेजुएशन है। पर आपको मकान मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, आप उस पद पर रहते कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते, ये उस पद से संबंधित क्या होगा? शर्तें। तो आप योग्यताएं और शर्तें उनको एक साथ शामिल मत करें, ये सबसे बड़ी भूल होती है। समझ में आ गई क्या बात? योग्यताएं अलग हैं और शर्तें या पात्रता अलग है, ठीक है ना। चलिए अब देखिए क्या लिखा हुआ है। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा। पहली बात है भारत का नागरिक है, पहली बात तो यही है। सबसे पहले नागरिकता, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका है और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है या योग्य है। इसका मतलब तीन बातें यहाँ पे आपको समझनी है। पहले भारत का नागरिक, फिर उसकी उम्र, और उसके बाद लिखा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित है या क्वालिफाइड है। ये क्यों लिखा? हम कई जगह ये भी लिख लेते हैं कि वो पागल नहीं होना चाहिए, वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो फला नहीं होना चाहिए, डिमका नहीं होना चाहिए। नहीं, इन्होंने साफ लिख दिया राष्ट्रपति के पद के लिए इस प्रकार की बातें लिखना थोड़ा शोभा नहीं देगी। तो उन्होंने सीधा दिया कि ऐसा व्यक्ति जो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो योग्य है, इसके अलावा वो होगा। तो आप आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, सर ऐसे ही लिख देते ना कि वो लोकसभा का सदस्य बनने वाला सदस्य राष्ट्रपति बना जाएगा, ये एक दो योग्यता और क्यों लिखी? भाई भारत का नागरिक ही लिख दी, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए वो 25 वर्ष चाहिए, तो राष्ट्रपति के लिए उम्र भी तो अलग है, इसलिए 35 वर्ष लिख दी। फिर लोकसभा का सदस्य होने के लिए क्या होना चाहिए वो? अगली बात देखिए, कोई व्यक्ति, ये अच्छी लाइन है, कोई व्यक्ति जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थान या अन्य प्राधिकारी दिन को लाभ का पद धारण करता है, राष्ट्रपति के निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा। राष्ट्रपति के पद का परिभाषा नहीं है यहाँ पे, शब्द लिखा हुआ है कि ऊपर हमने कितनी योग्यताएं देख ली, तीन, भारत का तो नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए योग्य होना चाहिए और लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए। तो योग्यता में चार बातें पढ़ ली। अब ये स्पष्टीकरण लिखा हुआ है, ये सबसे इंटरेस्टिंग स्पष्टीकरण है। इस अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए, कौन से अनुच्छेद के प्रयोजन के लिए? केवल इसी के लिए लाभ का पद क्या नहीं माना जाएगा, कोई व्यक्ति केवल इस कारण कोई लाभ का पद धारण करने वाला नहीं समझा जाएगा कि वह संघ का या तो राष्ट्रपति है या उपराष्ट्रपति है या किसी राज्य का राज्यपाल है अथवा संघ का या किसी राज्य का वो मंत्री है। क्या शानदार बात लिखी इन्होंने।
इन्होंने ये लिखा कि देखिए आप ये कहते हो कि वो लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, तो देखिए हम इन इन पदों को बाहर करते हैं। इसको पहला पद कर रहे राष्ट्रपति, मतलब कोई व्यक्ति भी राष्ट्रपति के पद पे है और चुनाव आ गए दोबारा, तो राष्ट्रपति के पद पे रहते हुए चुनाव लड़ सकता है। कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति है भी तो उसको त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। तभी तो कह रहा हूँ वीवी गिरी साहब ने इंडियन एजुकेटर से पॉलिटी नहीं पढ़ी थी, अदरवाइज उनको त्याग पत्र देने की जरूरत ही नहीं थी। या किसी राज्य का राज्यपाल है, या संघ या किसी राज्य का मंत्री है, कोई मान लो राजस्थान का शिक्षा मंत्री है, वो कल राष्ट्रपति का चुनाव लड़ता है, तो उसे शिक्षा मंत्री के पद से त्याग पत्र देने की जरूरत नहीं है। कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री है, ध्यान से समझे, कोई व्यक्ति क्या है प्रधानमंत्री, और उसको लड़ना राष्ट्रपति का चुनाव, तो लड़ सकता है पद पे रहते हुए। कैसे? यस, क्योंकि वो प्रधानमंत्री भी तो एक मंत्री है। कोई व्यक्ति दिल्ली का उपराज्यपाल है, हाँ दिल्ली में राज्यपाल तो होते नहीं, दिल्ली में तो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते, उपराज्यपाल है वो, उपराज्यपाल होते हुए राष्ट्रपति का पद लड़ सक हो सकता है क्या? नहीं, यहाँ पे उपराज्यपाल शब्द का उल्लेख नहीं किया गया, देखो। यस, यहाँ केवल राज्यपाल लिखा हुआ है, उपराज्यपाल का उल्लेख यहाँ नहीं किया हुआ है। तो कई बार दे देगा कि अनुच्छेद 58 के तहत किस किस को बाध किया गया है, राज्यपाल, उपराज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संघ राज्य के मंत्री, एक गलत है इसमें। वो जोड़े में देता है, हम वहां पे कंफ्यूज होते हैं कि 58 के तहत ए राष्ट्रपति वह उपराष्ट्रपति, ठीक है, बी राज्यपाल वह उपराज्यपाल, सी संघ अथवा राज्य का मंत्री। वो कहेगा 58 के संबंध में कौन से पद को इसे बाहर रखा गया है, तो इसका मतलब ये बी वाला सही नहीं है। आपको सर बी में राज्यपाल तो है, राज्यपाल के साथ में ये कबाड़ा और का ना उपराज्यपाल का, इसलिए पूरा ऑप्शन ये गलत हो जाएगा इसमें, याद रखें। तो उपराज्यपाल का उल्लेख नहीं है, राज्यपाल का है। ठीक, चलिए ये हो गई साहब इनकी क्या पात्रताएं, शर्तें नहीं है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। शर्तें कौन कौन सी हैं, शर्तों की पद पे जाएगा तो उसे क्या क्या मिलेगा भाई, सेवा की शर्तें कौन कौन सी हैं, इनको कोई वेतन मिलेगा, कोई भत्ता मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, कैसे। साथ ही साथ में जो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, लाभ का जो पद है, लाभ का पद भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषित ठीक से नहीं किया गया। ठीक है, लाभ का पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, हालांकि इस पर और कभी विस्तार से और आपके मेंस और इंटरव्यू के हिसाब से, क्योंकि वन डे जो एग्ज़ाम होंगे आपकी, कोई जो आप आरपीएससी की कोई परीक्षा दे रहे हैं, उसमें तो ये आएगा नहीं लाभ का पद। फिर भी ऐसा याद रखने कि लाभ का पद का ठीक से भारत के संविधान में कहीं भी परिभाषित नहीं किया। इस पे इसके सुप्रीम कोर्ट का केस, जया बच्चन का मामला है, तो आपको हल्का सा याद रखो, तो उसकी डिटेल में कभी बाद में बात कर लेंगे। आर्टिकल 102 के बारे में यहाँ पे बात करेंगे, आर्टिकल 102 एक का पार्ट ए। इसके अलावा आर्टिकल 194, आर्टिकल जो 194 191 है, 191 का पार्ट एक, यहाँ पे इसकी चर्चा करेंगे 191। इसके अलावा जया बच्चन मामला, जया बच्चन, मुझे लगता नहीं है कि इसकी आपको अभी कोई ज़रूरत पड़ेगी, तो आप इसको इतना याद रख लेंगे। इसका मतलब कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, मंत्री अथवा राज्यपाल है, उसको वो उस पद पे रहते हुए भी क्या कर सकता है, चुनाव लड़ सकता है। हार गया तो वापस अपने पद पे रह जाएगा, जीत गया तो बड़े पद पे चला जाएगा। चलो अब बात करते हैं आर्टिकल, हाँ
यहाँ ये जो पहली बात लिखी हुई है राज्यपाल की, इसको 7वें संविधान संशोधन से शायद ऐड किया गया था। ये है संविधान का 7वां 1956 अनुसूची द्वारा, ये राज प्रमुख शब्द को हटाया था, पहले राज प्रमुख और उप राज प्रमुख भी लिखा हुआ था, उसको हटा दिया। अब बात करते अगली, आर्टिकल 59 की, यहाँ शर्तें हैं राष्ट्रपति पद के लिए, शर्तें ये कंडीशंस हैं, राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। कॉमन सी बात है, किस किस का नहीं होगा, किसी भी विधानमंडल के सदन का सदस्य नहीं होगा। और यदि संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाए, तो वह ये समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है संविधान में। तारीख से का क्या मतलब होता है? नहीं, ये तुरंत लिखते, इमीडिएट लिखते तो सही था, कभी इस पे दिक्कत आ सकती है। ताकि उस पे हम इतना तो क्या बात करेंगे कि तारीख तो ऐसा है कि कौन सी तारीख से, जैसे आज मैं राष्ट्रपति हूँ और मैं एमपी हूँ और राष्ट्रपति भी बन गया साथ में। एक सिचुएशन बताता हूँ आपको मैं, अगर आप इसको पकड़ पाए तो। पहले पूरा पढ़ा के फिर मुझे याद दिलाना है। दूसरा है कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब अपन पढ़ कहाँ पे लेते हैं, उसको योग्यता में पढ़ लेते हैं। अन्य कोई लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा, वो तो एक लाभ के पद पे होना नहीं चाहिए। और ये यहाँ पे लिखा हुआ कि राष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा, ऐसा सवाल आए तो आप दिक्कत खड़ी करोगे। राष्ट्रपति बिना किराए का, वो बिना किराया दिए अपने शासकीय निवास के उपयोग का हकदार होगा। विशेषाधिकार जो संसद द्वारावधारित करे और इस निमित्त उपबंध किया जाए, वो है कि भाई वो वेतन भत्ते लेगा और आवास लेगा, इस पर भी चर्चा हुई संविधान सभा में। ठीक है कि ये जरूरी है, राष्ट्रपति की उपलब्धि और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जा सकते। क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान परिवर्तित नहीं किए जा सकते, सही है गलत है? हाँ, वापस रिपीट करता हूँ, राष्ट्रपति के वेतन और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान परिवर्तित नहीं किए जा सकते। कर सकते हैं, परिवर्तन तो बढ़ाना भी तो होता है घटाना भी होता है। तो आप ऐसी चीजों पे बहुत, क्योंकि आप संविधान पढ़ रहे हैं तो फिर संविधान पढ़ रहे हैं तो भाई संविधान के डाटा तो आपको उस तरीके से याद करने पड़ेंगे। हाँ, नकारात्मक परिवर्तन नहीं कर सकते। तो इसका मतलब इतनी बातें पढ़ी थी हमने, योग्यताएं कितनी पढ़ी थी, देखो वापस बताता हूँ। योग्यता हमने पढ़ी 4, शर्तें कितनी है 4, 5 कौन सी है, 4 ही तो। हाँ, तो मैं इन दोनों को आपको वो करके बताता हूँ, इनमें तुलना। यहाँ पे लिखते हैं योग्यता, अभी शॉर्ट में आपके याद हो जाएंगी योग्यताएं, और यहां हम लिखते हैं करते हैं। योग्यताओं में कितनी योग्यताएं हैं, सबसे पहले क्या योग्यता है, भारत का नागरिक, पैंतीस वर्ष का हो या 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, दोनों बात एक ही है, 35 वर्ष की आयु हो। तीसरा, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता। और चौथा, ये तो हुई एक पार्ट की बात,
और दूसरी पार्ट में क्या हो, लाभ के पद पे आसीन नहीं हो, और कितने पदों को लाभ के पद से आसीन होने से इसने बाहर कर दिया, एक राष्ट्रपति का पद, एक उपराष्ट्रपति का पद, एक राज्यपाल का पद और मंत्री का पद, मंत्री कहीं का भी हो जाए। परीक्षा में क्या देखो, भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए, जन्मने का कोई मतलब नहीं है, किसी भी प्रकार से उसको क्या होनी चाहिए, उसके पास में नागरिकता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन आएगा कि वो भारत में जन्मा नागरिक होना चाहिए ना, वह लोकसभा का सदस्य होना चाहिए, सदस्य होना नहीं चाहिए, सदस्य की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत सारे माइन्यूर माइन्यूर चीज़ें आप आती हैं परीक्षा में गड़बड़ करके आ जाते हो। शर्तों में क्या लिखा हुआ, शर्तें पहली क्या लिखी हुई हैं, पहली शर्त तो ये लिखी हुई कि राष्ट्रपति जो है वो सदन का सदस्य नहीं होगा, किसी भी सदन का सदस्य का सदस्य। और अगर मान लो कोई सदस्य है और राष्ट्रपति बनता है तो तारीख, पद ग्रहण की तारीख ये गड़बड़ है, पद ग्रहण की तारीख से उस पद को हम रिक्त समझ लेंगे। चलो दूसरी बात ये लिखी हुई कि वो लाभ का पद धारण नहीं करेगा, लाभ का पद। तीसरी बात लिखी हुई उसको क्या दिया जाएगा, इसको एक तो आवास मिल जाएगा और एक वेतन मिल जाएगा, है ना, जो दूसरी भैया तो कहा कि संसद तय कर देगी कितना मिलेगा। मान लो संसद थोड़े दिन तय नहीं करे तो कम से कम वो तो मिल ही जाएगा जो दूसरी अनुसूची में लिखा हुआ है, ठीक है। क्या पेंशन मिलेगी राष्ट्रपति को, हाँ मिलेगी, ठीक है, हाँ। और चौथी बात क्या लिखी हुई है कि परिवर्तन नहीं किया जाएगा, और परिवर्तन भी कौन सा, नकारात्मक। अब वो क्या करता है, तीन तो ये देता है और एक ये देता है लाभ का पद वाली कोई बात ऐसा। अब आप ध्यान रखेंगे आप, हाँ वो होगा, भविष्य की बात है ना, तुम ये पद धारण नहीं करोगे, ये ऐसा नहीं होगा, तो वो तो होने के बाद है, अभी तो, अभी ये तो है क्वालिफिकेशन और ये है कंडीशंस, इन इन दोनों को आप ध्यान रखेंगे। ये फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट की बात है। परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, परिलब्धियां वेतन भत्ते पेंशन आदि के आदि दिए जाएंगे, और राष्ट्रपति को जो अभी वेतन दिया जाता है वो 5,00,000 रुपये है महीने का, ठीक, और टैक्स नहीं लगता है, इनकम टैक्स, जीएसटी नहीं, जीएसटी तो कॉरपोरेट ग्रांट लगता है, इनकम टैक्स। अब आता है राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, इंटरेस्टिंग है ये भी, राष्ट्रपति की शपथ। तो ये समझ में आ गया आर्टिकल अपने 58। अब बात करते हैं अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 60, और 60 में क्या लिखा हुआ है, शपथ, ज्यादा बड़ा नहीं है तो आसानी से हो जाएगा शपथ, ओथ, और जीरो को ओ कर देते, ओ ए पी एच, ओथ कहां पे लिखी हुई है, 60 में लिखी हुई, याद रह जाएगा, देखो हाँ 60 में, 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अरे यार ये एक चीज समझानी भूल गया मैं अभी, वैसे हालांकि तारीख वाला थोड़ा सा पता नहीं इसको आप समझ पाएंगे कि नहीं, पर ये गड़बड़ होएगी कभी। तारीख का मतलब तो पूरे दिन तारीख चलती है, रात तक अगले दिन तारीख बदलेगी, तो इसका मतलब अगले दिन वो पद नहीं करता, इस आज तो पूरे दिन रहेगा वो, और सोच के देखिए कोई MLA MP है और वो उसी दिन राष्ट्रपति बन जाता है, और मान लो राष्ट्रपति का पद ग्रहण कर लिया तो पूरे दिन तक वो, तो उस दिन तो पूरे दिन वो सांसद भी है और वो राष्ट्रपति भी है, और सोच के देखिए संयुक्त बैठक का प्रावधान हो उसी दिन का, तो वोट किधर डालेगा,
वो सदस्य के रूप में डालेगा या वो राष्ट्रपति का पद हैंडल करेगा, यहाँ कभी न कभी दिक्कत आ सकती है। तो ये थोड़ी सी ऐसा समझ लीजिए ना, ज़्यादा थोड़ी बहुत सुपर एडवांस लेवल की बात है, आपके तो अभी लगी पड़ी है कि कम से कम हमें तो इतना ही समझा दो। तो किसकी बात करेंगे अब, शपथ की। तो देखिए शपथ, तो प्रत्येक राष्ट्रपति, देखिए ये लाइन में आपको समझाना चाह रहा था, अभी समझ में आ जाएगा। एक तो राष्ट्रपति और दूसरा प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, या तो ये मतलब कार्यवाहक राष्ट्रपति इधर देखे, या उसके कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा हो, तीनों लोगों को शपथ लेनी पड़ेगी यहाँ पे। ये सबसे इंटरेस्टिंग लाइन है, आ जाए कि 60 में केवल राष्ट्रपति पद पर आने वाले व्यक्ति या पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की शपथ लिखी हुई है। रॉन्ग, पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति की शपथ ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, निर्वाचित की बात नहीं है यहाँ पे, ये बहुत एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, ध्यान रखिए। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि निर्वाचित व्यक्ति राष्ट्रपति शपथ लेगा, ये लिखा हुआ है प्रत्येक राष्ट्रपति, इसका मतलब निर्वाचित हुआ हुआ, और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है या उसके कृत्यों का निर्वहन कर रहा है। देखिए तीन तीनों चीजें अलग अलग है, राष्ट्रपति बनेगा और निर्वाचित होकर आएगा, राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है, उपराष्ट्रपति जब राष्ट्र के रूप में आएगा, राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, कृत्यों का निर्वहन कोई भी कर सकता है, राष्ट्रपति खुद पद पे है, बीमार है, असमर्थ है काम करने के लिए, तो उसके कृत्यों का निर्वहन, तीनों को शपथ लेनी होती है। और मैंने आपको बताया कि जानी जेल सिंह जो है, हाँ, मोहम्मद हिदायतुल्ला, उन्होंने इसके रूप में भी कार्य किया था, कार्यवाहक और राष्ट्रपति के कर्तव्य का उन्होंने क्या किया था, निर्वहन भी किया था, और उपराष्ट्रपति तो रहे रहे थे। अपना पद ग्रहण करने से पहले ऐसा नहीं कि 2 साल राष्ट्रपति रह लिए अब शपथ लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश के समक्ष निम्नलिखित प्रारूप में शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर भी करेगा। देखो कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट है, वहां यह लिखा हुआ था कि राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं है तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो अन्य कोई भी न्यायाधीश, वहां वरिष्ठ नहीं लिखा हुआ है, ज्येष्ठतम या वरिष्ठतम, ये ज्येष्ठतम और वरिष्ठतम का कॉन्सेप्ट यहां लग रहा है कि या तो मुख्य न्यायमूर्ति शपथ दिलाएगा या वो अनुपस्थित है। उसका वो मतलब नहीं है। हाँ, 60 साल का ज्येष्ठतम, याद ऐसा याद करो कि कोई भी और जो कोई सीनियर मोस्ट जो है, उपलब्ध सीनियर मोस्ट, वो शपथ दिलाएगा। या तो ये प्रतिज्ञान शब्द क्यों लिखा, शपथ तो दिला देगा, साथ में प्रतिज्ञान क्यों किया है। देखिए इसमें भी चक्कर है, ये तो हमने कर लिया, मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। इस लाइन से क्या समझ में आया अपने को, इस लाइन में लिखा हुआ कि तीनों लोग शपथ लेंगे, इस लाइन से क्या समझ में आया कि तीनों शपथ लेंगे, राष्ट्रपति पद पर आने वाला, निर्वाचित होने वाला या उसके कार्य करने वाला। इसमें यह लिखा हुआ है कि शपथ कौन दिलाएगा, इन दो लाइन में और यहां लिखा हुआ कि न्यायाधीश के समक्ष शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा। इस शब्द में दो बातें हैं कि शपथ क्या होती है और प्रतिज्ञान क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ओथ एंड अफर्मेशन, और उस पर अपने हस्ताक्षर सिग्नेचर भी करेगा, और कोई पढ़ा लिखा नहीं तो अंगूठा लगा देगा। हाँ, मैं यहां पे अपना नाम, मैं फला ईश्वर की शपथ लेता हूं, या तो ये बोल देगा, इसको तो बोलेंगे शपथ। और कोई व्यक्ति कहेगी सर मैं तो नास्तिक हूं, मैं तो ईश्वर का नाम ही नहीं लूंगा, तो इस लाइन को बोलेगा मैं अमुक सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि, समझ में आ गया ना। तो
तो जो आस्तिक होगा वो ईश्वर का नाम ले लेगा, इसीलिए इसको बट्टा में नीचे लिखा, दोनों नहीं बोलेगा वो कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं, मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं, एक ही बात बोलेगा, मैं फला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धा पूर्वक भारत के राष्ट्रपति के पद का कार्य पालन, ठीक, अथवा राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन, देखिए दोनों बातें करूंगा, या तो कार्य पालन कर रहा हूं या राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन कर रहा हूं, क्योंकि वो तो टेम्परेरी आया है, तो दोनों की बात है, करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि, देखो दोनों सब लिखे हुए हैं, का क्या करूंगा, परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण, वो प्रिजर्व करेगा, डिफेंड करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। हाँ, ये तीनों लाइन इसी क्रम में है, संरक्षण का मतलब प्रिजर्व करके रखेगा, जैसा संविधान है वैसा का वैसा रखेगा, प्रतिरक्षण उसमें इतनी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, इतनी प्रतिरक्षा डेवलप कर देंगे कि संविधान अपने आप में एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी हो, और परिरक्षण इसका मतलब प्रिजर्व करके रखना, प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, तीनों चीजें हैं, इनके अलग अलग अर्थ हैं, मैंने आपको बताया। मैं भारत की जनता की सेवा करूंगा और कल्याण में निरत रहूंगा, बात समझ में आ गई। इसका मतलब ये हमें समझना है कि जब भी राष्ट्रपति पद के लिए कोई आएगा तो शपथ लेगा, अब शपथ से संबंधित आपको कई सारी बातें मैंने बताई हैं, हम याद रखेंगे। शपथ में दोनों बातों का उल्लेख किया गया है, दो तो बातें शपथ भी है और प्रतिज्ञान भी है, तो दो तो इसमें वर्ड है, तीन पदों के लिए है, तीन पद में ये वर्ड गलत यूज कर रहा हूं, पर क्या पता परीक्षा में पूछे तो इसको क्लियर करेंगे, और दो विशेष शब्दावली है, संविधान और विधि, संविधान और विधि, दो सुपर स्पेशल शब्दावली है, संविधान का संरक्षण, प्रतिरक्षण और परिरक्षण, तो संविधान का परिरक्षण, परिरक्षण, संरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, और एक अंतिम बात है, कौन दिलाएगा, तो कौन दिलाएगा, इसका जवाब तो आपको मिल गया, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या वो नहीं है तो अन्य ज्येष्ठतम न्यायाधीश। शपथ और प्रतिज्ञान, यहाँ पे ईश्वर है, यहाँ पे ईश्वर नहीं है, तो नास्तिक आस्तिक दोनों के प्रोविजन करेंगे। तीन पद कौन कौन से, राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित होने वाला व्यक्ति, ये समझ ले, यहाँ पे कार्य करने वाला या कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला, तीनों के लिए शपथ लिखी हुई है। किस किस का, संविधान और विधि का, दोनों शब्द लिखे हुए हैं, क्या क्या करेगा, परिरक्षण संरक्षण और प्रतिरक्षण। आप इस लेवल से जब पढ़ेंगे तब आपको फिर और किससे पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी कि हाँ अब हमें बहुत सारी चीज़ें आने लगी, बहुत सारी क्या, जो लिखा उसका पूरा पोस्टमार्टम आने लग गया आपको, और ये कौन दिलाएगा इसका जवाब हो गया। तो आज की क्लास में हमने इतना देख लिया है, ठीक है। कई बार आपके कुछ क्योरी जो डाउट होते हैं तो आप चाहें तो ये नंबर है, आप इस पे आप वापस भी अपनी कोई भी क्योरीज डाउट कुछ भी है उसके बारे में बात आप कर सकते हैं कि भाई इस पे हमने बात कर ली, कुछ आपको पूछना है ऐसे संबंधित। तो हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, आर्टिकल 61 से हम आगे का डिस्कस करेंगे। चलिए।